मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी और चावल आटे से एकदम टेस्टी स्नैक्स। इसे हम पूड़ी भी कह सकते हैं, पापड़ी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है और एकदम यूनिक है। इसे आप बना के 15 दिनों तक भी खा सकते हो। आइए देखते हैं ऐसे टेस्टी पूड़ी के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने लिया लौकी और चावल आटा। लौकी और चावल आटे से ही हम इसे बनाएंगे। उसके बाद नमक और तेल, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हींग, अजवाइन, एक स्पून तिल्ली, आधा स्पून जीरा, कुछ धनिया पत्ती, कुछ करिया पत्ती। सबसे पहले मैं मिक्सी का जार लेके उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक स्ट्रिप करिया पत्ती डाल के मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं लौकी को खींच रही हूँ। लौकी को खींच के मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी। हाँ, मैं लौकी को ऐसे फाइन करना और लौकी खींचने के बाद हल्के से दबा के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, हल्के हाथों से दबा के थोड़ा सा पानी निकालना है। लौकी से हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, हल्का ही निकालना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। चावल का आटा वैसे तो मैंने छोटी कटोरी से 2 कटोरी ली है, बट आप इसमें उतना ही आटा डालना जितना लौकी में पानी है। अब मैंने डाला है आधा स्पून हींग, एक स्पून तिल्ली और आधा स्पून जीरा। लौकी में जितना पानी है मतलब आप उसमें और पानी नहीं डालोगे। लौकी में जो पानी रहता है उसी से आप आटे को गूंथोगे। अब मैंने उसमें डाला है करिया पत्ती और धनिया पत्ती को बारीक काट के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, जिसका हमने पेस्ट बना के रख लिया था, मैंने उसको भी डाल दिया। डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैं और कोई पानी नहीं ऐड की हूँ। लौकी में जो पानी रहता है उसी से हमारा आटा बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको और ऐसा लग रहा है सूखा है तो जिसको हमने हाथ से प्रेस करके लौकी का जो पानी निकाला है उसी को आप इसमें एक स्पून डालना, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब मेरा आटा बनके रेडी है। अब मैं इसके बना रही हूँ गोले। गोले बना के अब हम इनको आगे का प्रोसीजर करेंगे। सारे गोले बनके रेडी हैं। अब मैंने पूड़ी को तलने के लिए कढ़ाई में तेल रख के गर्म कर लिया है। जब तक कि हमारा तेल गर्म होता है हम लोग करेंगे आगे का प्रोसीजर। मैंने लिया है एक पूड़ी प्रेस करने वाला। यहाँ पर हमें डायरेक्ट नहीं उनको प्रेस करना है, उसके लिए हमें ऊपर और नीचे एक पॉलिथीन रखना है। मैंने एक पॉलिथीन को कट कर लिया है। अब उसके ऊपर मैं हल्का सा तेल लगा रही हूँ और एक आटे का गोल लोई लेके मैं उसके ऊपर रख रही हूँ। रख के उसके ऊपर मैं एक और पॉलिथीन रखूँगी। रख के अब मैं इसको हल्के से प्रेस करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, अदरवाइज़ वो बहुत थिन हो जाएगा और पॉलिथीन में चिपक जाएगा। हल्के से प्रेस करके अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। आप चाहो तो डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकते हो, वो भी ईजी प्रोसीजर है। अब मैं एक और ले रही हूँ। ऐसे अभी मैं सारे गोले को प्रेस करके रख लूँगी। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम लोग एक एक करके सारे पूड़ियों को तेल में तल लेंगे। ये प्रेस होके रेडी है। हमारा तेल भी गर्म हो गया। अब मैं इसको डाल रही हूँ तेल में। तेल गर्म हो गया है, तेल में अब मैं इसको डाल रही हूँ। हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ऊपर नीचे टर्न करते हुए लगातार पलटते हुए इसको फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा। अगर हम लोग हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, और धीमी आंच पे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल को सोख लेगा। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसको करना है, लगातार इसको पलटते रहना है। अब ये बनके रेडी है। मैं इसको निकाल रही हूँ। मैं और भी आपको तल के दिखाऊंगी। ये पूड़ियाँ आप बना के 15 दिनों तक एयरटाइट कंटेनर में रख के खा सकते हो। ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। आप किसी फेस्टिवल में भी बना सकते हो, बाहर कहीं घूमने जा रहे हो तो एज अ स्नैक्स आप बना के ले जा सकते हो। टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्दी भी है, क्योंकि हम लोग इसमें चावल का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं और लौकी, और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची है। हमारे ये पूरे पापड़ी और पूड़ी बनके रेडी है। आपको मैं दिखा रही हूँ, आप इसके आवाज़ से गेस कर सकते हो कि ये कितनी क्रंची है। तो आप भी ये टेस्टी हेल्दी स्नैक्स बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।